अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। युवा कांग्रेस एवं वार्ड क्रमांक 2 के निवासियों ने किया हाईवे जाम एवं श्वान को दिया ज्ञापन। न्यू देवास एवं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा देवास के वार्ड क्रमांक 2 न्यू देवास कॉलोनी में सालों से रोड एवं लाइट पानी चैम्बर लाइन की समस्या नगर निगम द्वारा टैक्स लेने के बाद भी हल न करने पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ एवं जिला महासचिव विजय कटेसरिया के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं वार्डवासियों के द्वारा 2 घंटे तक हाईवे रोड जाम किया गया। नगर निगम अधिकारियों के समय पर न आने पर श्वान को आयुक्त मानकर कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया। वार्डवासियों के द्वारा नगर निगम हाय हाय, नगर निगम आयुक्त मुर्दाबाद, पार्षद मुर्दाबाद, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते आदि नारे लगाए। धरना प्रदर्शन स्थल पर कार्यपालन यंत्री इंदु भारती के द्वारा पहुंचकर 7 दिन में वार्ड की समस्या हल करने का आश्वासन देने के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। रोड जाम में पार्षद अनुपम टोप्पो, सुनीता राजपूत, आशाबाई बापू, रीना बाई, अर्चना जी, उर्मिला जी, लक्ष्मी बाई, विद्या बाई, नर्मदा बाई, धीरज राजपूत, मुकेश पाटीदार, राजेंद्र बामनिया, रघुवीर सिंह दरबार, मेहरबान मालवी, रामेश्वर परमार, संतोष पांचाल, दुर्गेश नागर, जितेंद्र चौहान, संतोष परमार, नीलेश चौहान, सोनू मालवीय, सचिन मालवीय, मुकेश प्रजापत, अर्जुन मालवीय, विधानसभा अध्यक्ष पंकज वर्मा, संजय रेखवार, जयप्रकाश मालवीय, श्रीकांत चौहान, समरोज पठान, नरेश बेरागी, अजय जायसवाल, मनीष परमार, विशाल ठाकुर, दुर्गेश मालवीय, रितेश सोनी, कमलेश यादव, अमन पाटीदार आदि उपस्थित थे। मैडम, मेरा ये मानना है समस्या हल करो, मोदी जी की समस्या हल करो। अरे मैं नीम से ले लेना। वार्ड क्रमांक 2 में आप एक बार जाके देखो, पूरे रोड एक एक रोड आप देख लो, पूरा रोड ऐसा हो रहा है, मुरम तक भी नहीं रही है, अभी गड्ढे हैं रोड के, फ्लेक्स भी लगाया है, अभी फ्लेक्स लगा है सर, ये अभी आज की स्थिति है, बोले फ्लेक्स लगा है, ना ही पानी की समस्या, ना सीवेज है यहाँ पे, ना ही लाइट की लाइट है, तो ये वार्ड क्रमांक 2 की समस्या जब तक नहीं होती तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। आपके द्वारा कितने दिन में ये रोड बना दी जाएगी ये हमको बता दीजिए, लिखित में वो भी, और मेला अभी वार्ड देख के आओ, एक पूरा दे रहा है सब, दे रहा है बात हो जाएगा, कुछ भी नहीं है यहाँ, तो उसमें अंदर जोड़ने की अनुमति नहीं है, हम दिखा देते हैं आपको, सिंपल यही चलो ना, वार्ड में घुमा लेते हैं, कीचड़ उतर गया घुटने घुटने का क्या क्या
की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। वार्ड क्रमांकों की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। वार्ड क्रमांकों की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। युद्ध वास की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। जो चक्का जाम किया जा रहा है, किस बात को लेकर किया जा रहा है और क्या बुरा मामला है? ये चक्का जाम किया जा रहा है, बिल्कुल सम्मान पूर्वक किया जा रहा है। हमने पहले प्रशासन को अवगत करा दिया कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम इतने दिन बाद रोड जाम करेंगे। इतने दिन बोले उससे भी दो दिन बाद रोड जाम कर रहे हैं हम। सुबह फोन लगा दिया, कल फोन लगा दिया, सब दूर लगा दिया। हमारी मांगे है कि हमारी जो मूलभूत सुविधा है वो सुविधा हल की जाए, लिखित में दे दो आप, रोड नाली वगैरह जो भी है तो हम हट जाए, कोई दिक्कत। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड क्रमांक 2 है। कौन सा मोहल्ला है ये? न्यू देवास। न्यू देवास। शिकायत पहले किसी की थी आपने? क्या पहले कभी किसी को शिकायत? बराबर 2 साल से शिकायत कर रहे हैं सर, सभी आवेदन है हमारे पास में। 2 साल से शिकायत कर रहे हैं, पार्षद महोदय को फोन लगा रहे हैं, कोई समस्या हल नहीं हुई है। जाना बच्चों की गाड़ियां नहीं आ रही है ना, पैदल बच्चे जा रहे हैं, हम टोक टोक के छोड़ने जा रहे हैं उनको। क्या नाम है आपका? विजय कटेश्वर, जो कांग्रेस जिला मासी। क्या नाम है आपका? यहाँ के निवासी हो? कौन सी कॉलोनी के निवासी हो? क्या नाम है आपका? ममता भाई। ठीक है। क्या 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 समस्या क्या आ रही है यहाँ पे? क्या क्या समस्या? स्कूल की बसें वगैरह नहीं आती है, बच्चे रोड पे जाके छोड़ने के लिए, तो मतलब क्या सरकार में इतने हैं? क्या नाम है आपका? यहाँ के निवासी हो? कौन सी कॉलोनी के निवासी हो? क्या नाम है आपका? ठीक है। कीचड़ बहुत हो रहा है, रोड की समस्या है, चैम्बर उभरा रहे हैं, चैम्बर की समस्या है, लड़की गाड़ी। अच्छा, इसकी शिकायत कभी पहले की थी आपने? कर दी हमने, कितनी बार कर दी, बहुत बार कर दी, और एप्लीकेशन लिख लिख के दी हमने नगर निगम में। तो अभी आपने क्या करा यहाँ पे? अभी रोड जाम करा। ठीक है, हमारी सुनाई होगी तो हटेंगे, नहीं होगी तो नहीं हटेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हो? ना यहाँ पे भी चक्का जाम आपने करा, क्यों करा और क्या समस्या है आपकी? भैया हमारी ये समस्या है कि हमारी कॉलोनी में आज हम 5 साल से इतने इतने कीचड़ में जा रहे हैं। बच्चियाँ नौकरी करके स्कूटी से आती है, गिर जाती है, मोबाइल फूट जाते हैं, कब तक ये कीचड़ से हम समाधान करें? कचरे की गाड़ी नहीं आती है, बच्चे की बस नहीं आती है, बच्चे की बस नहीं आती है, ऑटो नहीं आते हैं, इनकी छुट्टियाँ कब तक हम, मतलब कब तक छुट्टियाँ लेंगे इनकी स्कूल से? अच्छा, इसकी शिकायत की थी आपने किसी को? हमने कलेक्टर ऑफिस में भी की है शिकायत, हमने हमारे गार्डन के वहाँ देखना आप कितना अतिक्रमण हो रहा है, वहाँ की भी हमने 4 बार मतलब कलेक्टर ऑफिस में सुनवाई करी है, लेकिन 1 बार भी सुनवाई नहीं हुई हमारी। ठीक है, अभी आपने क्या करा यहाँ चक्का जाम? हमने अभी इसलिए चक्का जाम करा कि हमारी हर समस्या का समाधान होना चाहिए। क्या नाम है आपका? उर्मिला सोलंकी। कहाँ की निवासी हो आप? मैं न्यू देवास से हूँ, डी सेक्टर से हूँ, और पूरी न्यू देवास में ही कीचड़ है। ठीक। मैडम ने आश्वासन दिया है 7 दिन का, 7 दिन में चैम्बर लाइन रोड की समस्या सारी समस्या हल हो जाएगी। अगर 7 दिन में समस्या हल नहीं हुई तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। क्या क्या बोला अभी उन्होंने आप? मैडम 7 दिन का समय दिया, बोले 7 दिन में आपकी जो भी समस्या है हम हल कर देंगे। आप लोगों ने कहा पहले भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन मैडम का ये कहना है कि उनके नॉलेज में आज ही ये पता पड़ा है। मैडम के नॉलेज में आज ही है, बाकी हमारे पास आवेदन है, कुछ दूसरे अधिकारी थे उन लोगों को दिया था, उनने ध्यान नहीं दिया। मैडम को अब अवगत कराया है, तो मैडम ने 7 दिन का समय दिया है, 7 दिन में अगर मांगे पूरी नहीं होती तो फिर से हम रोड जाम कराएंगे। अभी क्या मुरम डलवाई जा रही? क्या जल्द मुरम डलवाई जाएगी, उसके ऊपर छुरी डलवाई जाएगी, ये बोला है मैडम ने। ठीक है भैया, आपका नाम और पता? विजय कटेश्वर, जो कांग्रेस जिला महासचिव। क्या आपने बात करी और क्या अभी समस्या का हल निकला? या रोड बनाने जैसी समस्या है, तो इन लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो रहे हैं, इंजीनियर काम नहीं कर रहे हैं। मैंने इन लोगों को बोला है कि 7-8 दिन में हम लोग देख लेते हैं कि जो जो पॉसिबल होगा, जो जो इंस्टेंट हम लोग काम कर सकते हैं।
बाकी जो टाइम टेकिंग वाले काम है उसमें सब। उनका एक और आरोप है कि लगातार बार बार शिकायत कर चुके हैं, उसके बाद भी नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे नॉलेज में, अभी तक इस तरीके की कोई समस्या आई नहीं है। इनफैक्ट ये वार्ड जो है मेरे ही जोन में आता है या मेरे एरिया में आता है, मैंने अभी तक इस टाइप की कंप्लेंट ना तो मेरे नॉलेज में आई है ना मुझे बताया गया है। हो सकता है कि अभी इन लोगों ने इंस्टेंटली प्लान किया हो कि हमें यहाँ आके इस तरीके से चक्का जाम करना पड़े ताकि हम लोग उसको ले सकें। हम उम्मीद है जल्दी इनकी समस्या हल होगी, पॉसिबल जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम लोग समस्या। मैम यू आर नेम एंड डेजिग्नेशन? हिंदू भारतीय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नगर निगम। बताइए आज आपने किस बात को लेकर रोड पर चक्का जाम किया था? आज वार्ड क्रमांक 2 के निवासी और युवक कांग्रेस द्वारा संयुक्त रूप से न्यू देवास गेट पर चक्का जाम किया गया। चक्का जाम 2 घंटे तक रहा। हमारी समस्या ये थी कि वार्ड क्रमांक 2 में जो कि अभी तक ना तो वहाँ पर रोडों पर मुरम डला है, कुछ भी डला है, और बारिश में कम से कम दो दो एक आधा आधा फीट पानी भरा जाता है, जिससे कि वार्डवासी बहुत परेशान है। इसके कारण वार्डवासी और हमारा द्वारा जाम किया गया। जाम हमें जब आश्वासन दिया गया कि आपको 7 दिन के अंदर मुरम मिल जाएगी, जब जाकर हम उठे हैं और आश्वासन के बाद हम वहां पर उड़ गए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 7 दिन बाद हम वापस आंदोलन करेंगे, इसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। जी आपका नाम? दीपेंद्र सिंह, युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष।